संसद का तो मतलब यही होता है कि सिर्फ मन की बात नहीं हो, सबकी बात हो। जहां पर आए हैं बढ़िया जो है स्नो पाउडर लगा करके, दाढ़ी में ब्लीचिंग करवा करके, और अगल बगल जो है लोग खड़ा करके मीडिया के सामने आए और अपना मोनोलॉग दे करके चले गए। आप में से बहुत सारे लोग प्यार का पंचनामा देखे होंगे, यही है ना प्यार का पंचनामा, तो डायलॉग मारता है अकेले लड़का लड़की के बारे में जिसमें लड़की है ही नहीं वहां पे मौजूद। तो मोनोलॉग नहीं होगा, डायलॉग होगा। संसद होने का यही मतलब होता है। हालांकि संसद का बजट सत्र चल रहा है, इससे पहले भी कई सत्र हुए हैं, और उस सत्र में हमने क्या देखा है कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री कम और भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं, वो संसद में कम और भाजपा की रैलियों में ज्यादा होते हैं। जितना दिन वो पार्लियामेंट में रहे हैं उससे ज्यादा दिन वो विदेश में घूमे हैं। तो जब प्रधानमंत्री ही संसद में मौजूद नहीं हो, जब सरकार के मुखिया ही संसद में मौजूद नहीं हो, तो संसद में कितनी सकारात्मक बहस के लिए सरकार तैयार है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकतंत्र कभी भी एक तरफा नहीं होता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, विपक्ष के सवाल होते हैं, सरकार के जवाब होते हैं। लेकिन पिछले आप लगातार कई सत्रों में ये देखो होंगे कि टीवी न्यूज चैनल वाले लिखते हैं, दिखाते हैं कि इस बार का सत्र भी हंगामे के भेंट चढ़ने के आसार। विपक्ष कर सकता है कई मुद्दों पर हंगामा। उन मीडिया के दोस्तों से एक बात कहना चाहते हैं, हम विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देश की जनता के जो सवाल हैं उस पर सरकार की जवाबदेही चाहते हैं। सरकार जो वादे कर करके चुनकर आई उस पर सरकार की कार्रवाई का रिपोर्ट चाहते हैं। सरकार बहस नहीं चाहती है, लेकिन पता नहीं किस प्रेम में या किस डर में आप सरकार से सवाल पूछने की बजाय संसद की जो कार्रवाई नहीं होती है उसके लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराते हैं। आप खुद बताइए, क्या आपको प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है? बुलाए थे एक अभिनेता को, जानते हैं क्या सवाल पूछा है प्रधानमंत्री जी से? आम कैसे खाते हैं, भकोस लेते हैं, कैसे खाते हैं, ये सवाल होता है कि आम कैसे खाते हैं? ये प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा? नहाते कैसे हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं, नहाने के बाद डिओड्रेंट लगाते हैं नहीं लगाते हैं, दाढ़ी में कौन सा ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ये प्रश्न होता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आप पूछिए सरकार से कि सरकार बहस चाहती है। सरकार अगर बहस चाहती है तो प्रधानमंत्री संसद से क्यों गायब रहते हैं? सरकार अगर बहस चाहती है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं? और इस देश के लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को, उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों नहीं सरकार से पूछा जा रहा है? अरे हमारा छोड़ दीजिए, हम लोग का क्या है, हम लोग विपक्ष में हैं, हमारी तो हालत यह है कि मीडिया भी हमी से सवाल पूछ रही है, वोटर भी हमी से सवाल पूछ रहा है, और सरकार भी जो है जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको पकड़ पकड़ करके अपनी पुलिस से थाने में सवाल बैठा के पूछवा रही है, हमारा क्या है? लेकिन आप पूछिए ये सवाल, किसके लिए, किसके कहने पर इस देश के लोगों की जासूसी की गई? किसके कहने पर जज की जासूसी की गई? किसके कहने पर
अरे छोड़ दीजिए हमारा, अपने ही मंत्रियों की इन्होंने जासूसी करवाई। और एक बात मैं बता दूं, एक कहावत है, चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया। जासूसी आज के डेट में इनकी जरूरत कम और आदत ज्यादा बन गई है। आज से जासूसी कर रहे हैं। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों की जासूसी किया करते थे, जब गुजरात में थे तो एक महिला की जासूसी किया करते थे, आज दिल्ली में बैठे हैं तो सरकार का, जज का, मीडिया का और वो तमाम लोग जो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं उनकी जासूसी करा रहे हैं। करा लीजिए ना, अरे डर थोड़ी लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुप सकता है। हमको जरूरत नहीं है कोई चीज छुपाने की। कौन कहता है, कौन कहता है कि झूठ मेहनत नहीं करता? देख लीजिए, गोडसे को सही साबित करने के लिए बार बार गोडसे के भक्त को गांधी के सामने झुकना पड़ता है। आप देखिए हकीकत को, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए, लेकिन आप बताइए कि जरूरत क्या है, क्या जरूरत है? क्या सरकार ने, भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में यह लिखा था कि अब की बार जब 300 पार होंगे तो आपके मोबाइल के भी आर पार रहेंगे, आपके बेडरूम में भी घुस जाएंगे, आपके फ्रिज में घुस करके बैठ जाएंगे, ऐसा कहा था क्या? कौन मुद्दों को भटका रहा है? मैं अपने मीडिया के साथियों को कहना चाहता हूं, हम मुद्दा नहीं भटकाते हैं। बार बार ये टैग नहीं चलाइए कि विपक्ष इस बार भी कर सकता है हंगामा। दुष्यंत कुमार ने एक बात कही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा नहीं कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? लोग कहते हैं कि आप रेस में नहीं हैं। रेस में हम नहीं हैं, रेस में हम रहना भी नहीं चाहते हैं। भेड़ है कि रेस में रहेंगे, इंसान हैं, सोच सकते हैं, अपने हक के बारे में, अपने लोगों की उम्मीद के बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में, देश के बारे में, भविष्य के बारे में। कल प्रचार जीवी जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि सपना तो वही देखते हैं ना जो सोते रहते हैं। हमने कहा कि खुली आंख से भी सपना देखा जाता है। खुली आंख से सपना देखा जाता है समाज के लिए और आंख बंद करके सपना देखा जाता है अपने लिए। हम खुली आंख से सपने देखने वाले लोग हैं जो पूरे समाज के लिए सपना देखते हैं। पास लिखते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। पास कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, और ये खतरनाक लोग हैं जो हमारे सपनों को मार रहे हैं। क्या है हमारा सपना? किस सपने के साथ इस देश का नौजवान अपनी उम्मीदों का पंख लगा करके उड़ना चाहता था? याद कीजिए, आप में से बहुत सारे लोग यहां अभी कॉलेज में होंगे। मैं 2011 में जब यूनिवर्सिटी गया था तो क्या बहस हो रही थी? मैं बताता हूं क्या बहस हो रही थी। 10% विकास दर का बहस हो रहा था। बहस हो रहा था कि हम इस देश को प्रगति की पथ पर आगे कैसे लेकर के जाएंगे, कैसे नए रोजगार का सृजन होगा, किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, सड़कें बनेंगी, चोरी होंगी, विकास होगा, लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। हमारी ये बहस होती थी कि सिर्फ शहरों को स्मार्ट बना देने से देश नहीं स्मार्ट होगा, क्योंकि देश में सिर्फ शहर नहीं है, गांव भी है। तो गांव से जो विद्यार्थी झोला लेकर के आता है पढ़ने के लिए, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, पटना
कि जो विद्यार्थी गांव से निकल करके आते हैं किन परिस्थितियों में रहते हैं और किस उम्मीद से रहते हैं। एस्बेस्टस का छत होता है, एस्बेस्टस एक ऐसा कमाल चीज है कि एसी के अपोजिट काम करता है, गर्मी में खूब गर्म होता है और ठंडा में खूब ठंडा होता है। जो एस्बेस्टस की छत के नीचे रहे होंगे उनको यह बात मालूम होगा, गर्मी में जब एस्बेस्टस खूब गर्म हो जाता है तब रोटी बेलने का मन नहीं करता है। और आप में से कई सारे लोग ये शब्द सुने होंगे, डीबीसी, दाल भात चोखा। क्यों खाते हैं दाल भात चोखा? क्योंकि रोटी बेलने की हिम्मत नहीं होती है, पसीना निकलता है। रोटी बेल करके, चोखा बना करके, खिचड़ी खा करके और साइकिल ले करके ये कोचिंग से वो कोचिंग, वो कोचिंग से वो कोचिंग, इस उम्मीद में घूमते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी, बहाली आएगी, भर्ती होगी। और जब सरकारी नौकरी मिलेगी, हम साफ साफ बोलते हैं, लाग लपेट हमको बोलना नहीं आता है, सरकारी नौकरी मिलेगी तो ब्याह होगा। क्या रे बुतरू हंस रहा है पीछे? सरकारी नौकरी होगी तो ब्याह होगा, बायोडेटा जाएगा, चौराई से बाबूजी बोलेंगे हमारा बबुआ को रेलवे में नौकरी हो गया है। सोच के देखिए, रेलवे बचेगा ही नहीं तो नौकरी लीजिएगा मंगल ग्रह पे, कहां मिलेगा नौकरी? ये सवाल है। और इस सवाल को गुमराह करने के लिए कहा क्या जा रहा है, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। मेरा बहुत एक तार्किक प्रश्न है, आप सब लोग लखनऊ के लोग हैं, अवध का इलाका है, अयोध्या है, अयोध्या कहा जाता है प्रभु श्री राम की नगरी है। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिला का रहने वाला हूँ, और मिथिला के बारे में कहा जाता है कि वो माता जानकी की जन्मभूमि है। मैं तो ये बात समझ में ही नहीं पा रहा हूँ, आरएसएस बने और बना 1925 में, रामायण हुआ त्रेता युग में, तो ये राम को कैसे लेकर के आए हैं? इनका इतिहास खराब है, ये इतिहास नहीं पढ़े हैं। ये इतिहास अगर पढ़े होते तो ये बात बोलने से पहले 100 बार सोचे होते, हम राम को लाएंगे कि राम हमको लाएंगे। सोच के देखिए, कौन राम को लाएगा? हम लाएंगे कि राम हमको लेकर के आएंगे? ये राम को नहीं लाए हैं, ये नाथू राम को लाए हैं। इस बात को याद रखिएगा। नफरत से लोग ये इतिहास में भी पढ़े होंगे, इतिहास में नहीं पढ़े होंगे, प्रधानमंत्री की तरह अगर आपको इंटायर पॉलिटिकल साइंस करने का मौका नहीं मिला है तो कम से कम टीवी पे सीरियल तो जरूर देखे होंगे। DD1 पे एक सीरियल आता था युग नाम से, हम त्रेता युग की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। उस युग सीरियल में यह दिखाया जाता था कि अंग्रेज लोग शाम को चाय पे चर्चा बुलाया पे बुलाया है लोगों को, अब कुछ काली टोपी पहन करके लोग वहां पहुंचा है। और ये जो काली टोपी वाले लोग हैं ये अक्सर लोगों के ऊपर स्याही फेंकते रहते हैं, जिनकी टोपी काली जिनकी सोच काली वही स्याही फेंकते रहते हैं। ये पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि वाइसराय साहब बहुत गड़बड़ हो गया है, ये गांधी जो है ये सबको इकट्ठा कर लिया है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, कोई छूट ही नहीं रहा है, सबका साथ सबका विकास एकदम 100% गारंटीड। अब कैसे होगा? तो वाइसराय ने कहा कि इनको आपस में लड़ाने का कोई उपाय बताओ। तो बोला, भारत में झगड़ा कराने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है धर्म। तो कैसे झगड़ा हो सकता है? बोला, जिस धर्म का इस्तेमाल करके 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें सिपाहियों की एकता स्थापित की गई थी, उसी धर्म का इस्तेमाल करके इन भारतीयों को आपस में लड़ाया जा सकता है। और सुवर, मैं हिस्ट्री का बात बता रहा हूं, और है किसी के दम के पास अगर ये तो मुझे चैलेंज करके दिखाए कि मैं गलत फैक्ट बोल रहा हूं। सुअर के मांस एक ही आदमी
सुअर के मांस मस्जिदों में फेंके गए, गाय के मांस को मंदिरों में फेंकवाया गया, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया गया, इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। और यही जो डिवाइड एंड रूल है, वो डिवाइड एंड रूल आज इस देश के अंदर ये डाइवर्ट एंड रूल के फॉर्म में कर रहे हैं। डाइवर्जन क्या होता है? कई बार डाइवर्जन जो है ना वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव डाइवर्जन क्या है कि जब सड़क बन रही हो तो लिखा रहता है कि डाइवर्जन अहेड, लेकिन कई बार सड़क जब बन नहीं रही हो ना, सड़क को बेचा जा रहा हो, तब भी एक डाइवर्जन किया जाता है जो दिखता नहीं है, जिसके बारे में लिखा नहीं रहता है डाइवर्जन अहेड। और ये डाइवर्जन क्या है? डाइवर्जन ये है कि जहां हम थे रिवर्स गियर लग गया है। देश कैसा बनाना चाहते हैं ये सवाल पीछे छूट गया है। देश को हम बचाना चाहते हैं ये सवाल ज्यादा प्रोमिनेंट होकर के आज हमारे सामने आ गया है। कहते हैं कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां तो हमारे देश में आईटी मार्केट बूम कर रहा था, आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया में जाकर के बड़ी बड़ी नौकरियां ले रहे थे। कौन सी नई कंपनी भारत में आ रही है इसकी चर्चा हो रही थी। आप देख लीजिए कि कितने लोग यहां से जा रहे हैं। लगातार जो बाहर की कंपनियां हैं वो अपने संस्थान को भारत में बंद कर रहे हैं। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, इस बात को याद रखिएगा, विस्थापन के नाम पर, नागरिकता के नाम पर देश के अंदर सांप्रदायिकता को, नफरत की उन्माद को बढ़ाने की कोशिश की गई। हकीकत सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, पिछले सालों में 8 लाख लोगों ने भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जितना पैसा आज हमारे देश में नहीं आ रहा है, जिसको इन्वेस्टमेंट कहा गया था, उससे ज्यादा पैसा जो है हमारे देश से बाहर जा रहा है। और आप दादा भाई नौरोजी की का वो आर्टिकल पढ़िए, पॉवर्टी इन इंडिया। और पॉवर्टी इन इंडिया में जो मेजर आर्गुमेंट है वो क्या कह रहे हैं नौरोजी साहब, वो कह रहे हैं कि ये अंग्रेज आए हैं, हमको आपस में लड़ाते हैं और देश की संपत्ति को लंदन पहुंचाते हैं। ठीक वही काम कि ये अंग्रेजों के चापलूस आए हैं, हमको आपस में लड़ाते हैं और देश की संपत्ति को अंबानी और अदानी के खजाने में पहुंचाते हैं। आप अपने आप से ये प्रश्न पूछ करके हमको बताइए कि जब लाखों पद रिक्त हैं, 38,000 पोस्ट प्राइमरी टीचर का रिक्त है, आंगनबाड़ी का 20,000 पोस्ट रिक्त है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर रिक्तियां नहीं हैं, तो क्या नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा सकती है? नौजवानों को नहीं मिलेगी नौकरी, अमित शाह का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी। कह क्या रहे हैं कि नहीं भाई, ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए 2 परीक्षा लेंगे। बहुत बढ़िया बात, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने के लिए क्या को परीक्षा लिए थे? कहां चला गया मेरिट का लॉजिक? सरकार ने कहा है कि हम लेटरल एंट्री करेंगे। लेटरल एंट्री मतलब समझते हैं क्या होता है? लेटरल एंट्री मतलब होता है जैसे हम यहां से चल करके ऐसे आए मंच पर। लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि नहीं, ऐसे हम चल करके नहीं आएंगे। दुल्हा दुल्हन आजकल जो फैंसी शादी होता है वो सीधे मंच पर अवतरित होते हैं, उसी को कहते हैं लेटरल एंट्री। दुल्हा दुल्हन सामने से चल करके नहीं आएगा, छत फट जाएगा, दीवार फट जाएगी, धरती फट जाएगा, उससे दुल्हा दुल्हन निकलते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि आपके जो डीएम और एसपी साहब हैं ना, उनको परीक्षा देने का जरूरत नहीं है। सरकार किसी भी इंसान का प्रोफेशनल असेसमेंट करके किसी को भी एसपी और डीएम बना सकती है।
पूछिएगा अपने भाजपा के प्रिय दोस्तों को, क्या यार क्या हाल है? देश में लेटरल एंट्री हो रहा है, देश में पहले भी लेटरल एंट्री हो रहा था। जब बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने का मौका मिला तो तुम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने कि जैसा अमित शाह बना, अमित शाह का बेटा जैसा बना, जरा सोच के बताना। और कल को अगर एसपीडीएम बनने में भी लेटरल एंट्री हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि हमारे और आपके घर के बच्चे एसपी और डीएम बनेंगे? यही चौड़वा मंत्री सबका बाल बच्चा एसपी और डीएम बनकर के बैठ जाएगा। एसपी और डीएम बनने के लिए लेटरल एंट्री, आज लाइन पर झाड़ू मारने के लिए 3 गो परीक्षा, हाय रे मेरिट। सोच के बताइए इसके बारे में। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका बहाली टाइम पे होता है। पहले तो वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी अगर आ गया तो जो है परीक्षा नहीं होगा समय पे। परीक्षा अगर होने वाला है तो आप ट्रेन में लटक करके, पता है किसी अपने यूरोपियन दोस्त को अगर वो फोटो दिखा देंगे ना, आईसीयू में चला जाएगा देख करके। आप जानते हैं कि ऊपर अब इलेक्ट्रिक तार होता है, कोई अगर चल करके देखना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। गया में ऊपर इलेक्ट्रिक का तार बिछा हुआ है, ट्रेन के ऊपर बैठ करके लोग यात्रा करता है। अपनी आंख से जब हम देखें ना तो थोड़े देर के लिए हमारा दिमाग काम करने के पोजीशन में नहीं था। ट्रेन में जब परीक्षा होती है, क्या इंजन, क्या गार्ड का बोगी, क्या बोगी के बीच में ऊपर नीचे एकक गो सीट पे 20-20 गो लोग रहता है। और सीट पे बैठने का जुगाड़ देखिएगा, साइड में जो सामान रखने वाला जगह होता है और जो ऊपर वाला सामान रखने वाला जगह होता है, दोनों के बीच में गमछा बांध करके उसमें 2 गो आदमी लटका रहता है। हम ऐसी जिंदगी जीने के लिए विवश हैं, और वैसे करके जब हम परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। आप सोच करके देखिए, यह दर्द नहीं है, यह समस्या नहीं है, यह समस्या नौकरी का सवाल जो हमने वादा नहीं किया था, यही वादा किया था जुमलेबाज, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा इनका था, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं, और जो भी चीज होता है उसमें किस तरीके से जो है बेईमानी की जाती है और इंसान के साथ, विद्यार्थियों के साथ भेड़ बकरी जैसा बर्ताव किया जाता है। और जब मैं इस सवाल को बोलता हूं तो मुंह उठा करके हमको आगे पूछेगा, अच्छा तो बताइए जरा राजस्थान में क्या हो रहा है, ये हमसे पूछता है। अरे राजस्थान में आया सवाल, सवाल हमने उठाया, सरकार ने कार्रवाई की, रीट घोटाले में शामिल एक एक लोग को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है, ये हमने राजस्थान में किया है। जोर से बोलने से ना सच जो है वो झूठ नहीं हो जाएगा। हमारे यहां कहावत है, चोर बोले जोर से, जोर जोर से चिल्लाता है, और झूठ बोल करके इस देश के अंदर इतिहास की गलत जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। इतिहास की गलत जानकारी लोगों के सामने क्यों प्रस्तुत करता है कि आप इतिहास में उलझे रहेंगे, आपका वर्तमान और भविष्य दोनों बेच देगा। ये हम लोग 2022 में खड़े हैं ना, याद है ना, आदरणीय श्री श्री 108 श्री यशोदा बेन जी के पति माननीय मोदी जी का भाषण याद है ना, क्या बोले थे, 2022 में किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। सब लोग देखिए तो अपना अपना मोबाइल, 2022 ही है ना, हम लोग 2020 में तो नहीं है ना, याद कीजिए ये वादा। 2016 में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से एक शपथ दिलाया था, इसी को तो कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। शपथ दिलाए थे, कसम खिलाया था, हम लोग भी बचपन में कसम खाते थे, झूठ नहीं बोले इसके लिए माँ बाप का कसम खाते थे, भगवान का कसम खाते थे, ये भगवान का कसम खा करके झूठ बोलते हैं। इन्होंने प्लेज दिलवाया था 2016 में कि हम नया इंडिया बना देंगे, और ये नया इंडिया क्या होगा,
इस नए इंडिया में जातिवाद नहीं होगा। तो जाट सम्मेलन हमारा चर्चा करने के लिए आया था कि जातिवाद नहीं है, चुनाव हो रहा है ना, जात के नाम पे सम्मेलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम जो है जातिवाद मुक्त कर देंगे। और क्या कर देंगे? सांप्रदायिकता मुक्त कर देंगे। अपने ही मुंह से बोला था ना, चलिए अपने ठीक है, अपना दिमाग से नहीं बोला था, टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ था, पढ़ करके बोला होगा, लेकिन बोला तो अपने ही मुंह से था ना। क्या बोले भाई? शमशान और कब्रिस्तान, ये सांप्रदायिकता फिरी है। 80 और 20, ये सांप्रदायिकता फिरी है। क्या कहे थे? देश से गरीबी समाप्त कर देंगे। अभी कोरोना का समय बीता है ना, कौन लोग था? 1,000 किलोमीटर लोग गए हैं पैदल चल करके, और आपके इसी लखनऊ हाईवे से लोग गए हैं। मैं कई एनएसयूआई और इस कांग्रेस के लड़कों को जानता हूं जो उस वक्त चप्पल बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे। कहां थी सरकार? कहां चली गई थी सरकार? और आज जो है धर्म के नाम पर लोगों के मुद्दे भटकाना चाहते हैं। क्या कर रही थी गवर्नमेंट? क्यों नहीं मिल रहा था लोगों को सिलेंडर? क्यों नहीं मिले बेड? छोड़ दीजिए, हम तो जनता हैं, अपने नेता को बेड नहीं दे पाया, अपने मंत्री को बेड नहीं दे पाया, ये हकीकत है। कहते हैं कि मर जाने के बाद जब हमारे यहां मृत शरीर गुजरता है तो लोग उसको प्रणाम करते हैं। एक संस्कृति है कि जब भी मृत शरीर गुजरेगा तो उसको प्रणाम करते हैं कि आत्मा को शांति मिले। अंतिम हक है वो, उस अंतिम हक से भी लोगों को छीन लिया गया, शमशान में जगह नहीं मिली। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। उस सवाल पे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बुलडोजर चलेगा। अव्वल तो मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत है, कोई इंसान अगर सन्यासी का वस्त्र धारण करके सन्यास के कर्म के साथ धोखा करता है, वह न सिर्फ धर्म के प्रति बल्कि समाज के प्रति भी बेईमानी का काम कर रहा है। जिन लोगों को लगता है कि ये धर्म बचाएंगे, तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, ये धर्म नहीं बचाएंगे, ये अपना धंधा बचा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इनका धंधा ये है कि आपका धंधा लूटेंगे और अपने देश के दोस्त के धंधे को बढ़ाएंगे। मैं बार बार ये लोगों को कर रहा हूं कि ये देश का नाम लेकर के दोस्तों का खजाना भर रहे हैं। ये लड़ाई वैचारिक है, इस बात को समझ लीजिए। हमारे लिए, ये मेरी व्यक्तिगत समझ है, और मैं समझता हूं यहां बैठे जो आप तमाम लोग हैं उनको भी ये महसूस होता होगा, बुनियादी तौर पे ये लड़ाई वैचारिक है। ये लड़ाई वैचारिक इस रूप में है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। हम बेचने वाला भारत चाहते हैं कि बचाने वाला भारत चाहते हैं, इस बात को आपको तय करना पड़ेगा। और जो बेचने वाले लोग हैं वही आज हमारी संस्कृति को, धर्म को, इतिहास को और हमारे समाज के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं कि जिस मठ का ये संत होने का दावा करते हैं उसका इतिहास क्या है। नाथ संप्रदाय के अंदर सगुण भक्ति नहीं होती है, निर्गुण भक्ति होती है। और निर्गुण भक्ति क्या होता है? कि राम जो हैं वो साकार नहीं है, निराकार हैं। और हमको पढ़ाया गया है, अगर मैंने गलत पढ़ लिया तो मुझे बताइएगा, कि इस देश की साहित्य की परंपरा में तुलसी के भी राम हैं, तुलसी के भी राम हैं। और तमाम वो जो साहित्यिक परंपरा है उसमें कबीर के भी राम हैं। अब आप मुझे बताइए कि तुलसी के राम और कबीर के राम में क्या साहित्य में हम लोगों को सिखाया और पढ़ाया गया है? मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। भगवान जो हैं वो कणकण में विराजमान हैं। इसीलिए एक परंपरा कहता है कि
साकार ब्रह्म होने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म निराकार होता है। और दूसरी परंपरा कहती है कि हमारे मन में जो भक्ति होती है वही हम भगवान के प्रति आरोपित करते हैं, इसीलिए ईश्वर जो हैं वो साकार भी हो सकते हैं। नाथ संप्रदाय निराकार ब्रह्म को मानने वाला संप्रदाय है, और उसके जो एक योगी हैं वो कहते हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं। वो जो परंपरा है दर्शन की, कोई दर्शन का विद्यार्थी अगर मैं गलत दर्शन बोल रहा हूं तो मेरे दर्शन को काट दे, कहता है कि भगवान का निवास भक्त के मन में होता है, भगवान का निवास इस ब्रह्मांड के कण कण में होता है। यह है भारतीयता। इस भारतीयता में जहां हम आलोचना को स्वीकार करते हैं, कबीर एक साथ दो बात लिखते हैं। कबीर कहते हैं, कंकर पाथर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो हुए खुदाए। उसी वक्त कबीर लिखते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यह हमारा इतिहास है, यह हमारा धर्म है, यह हमारी संस्कृति है। आप बताइए कि इस इतिहास, धर्म और संस्कृति को आज कौन खंडित करने का प्रयास कर रहा है? हम लोग जो कह रहे हैं कि इस देश के एक एक बेरोजगार को आपको नौकरी देने पड़ेगी, इस देश की एक एक महिला को आपको सुरक्षा देनी पड़ेगी, इस देश के एक एक किसान को उसकी फसल का दाम देना पड़ेगा, इस देश के एक एक मजदूर को उसको न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, यह देश हम सबका है, यह देश जितना हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले लोगों का है, यह देश उतना ही फुटपाथ पर बैठ करके जूता सिलने वालों का है, यह हमारा डिमांड है, यह हमारी लड़ाई है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस साजिश को हमको समझना पड़ेगा कि आज किस तरीके से हमारे असली सवाल को गुमराह किया जाता है। एक मित्र आए और उन्होंने हमको कहा, तुम्हारा क्या है दोस्त, हिंदू परिवार में पैदा लिए हो, नाम कन्हैया है, भाजपा की सरकार है, तुमको कोई दिक्कत है? हम बोले, सुनो दोस्त, हमारे जैसे लोगों को दिक्कत सिर्फ अपनी तकलीफ से नहीं होती है, हमारे जैसे लोगों को हमारे पड़ोसी में क्या तकलीफ है, पड़ोस में क्या तकलीफ है, उससे भी तकलीफ होती है। हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं कि गांव में किसी की भी मौत हो जाए हमारे घर में भी खाना नहीं बनता है। जो मुर्दों की राजनीति करते हैं, जो शमशान और कब्रिस्तान करते हैं, जो 80 और 20 बोलते हैं, जो इंसान को इंसान से बांटते हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और इस बात को याद रखना कि जब गोडसे को गोली मारने का मौका मिला ना, उन्होंने गांधी को चुना, क्योंकि गांधी कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। आज के समय में ये कठिन लड़ाई है, ये तुमको भी समझना पड़ेगा और ये हमको भी समझना पड़ेगा। क्या मेरा नाम कन्हैया है, मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं तो मुझे पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलेगा? कोई सोच करके हमको बताए। जो आज इस पूरे के पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता की कल्याण की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विस्थापन का सवाल है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, विश्वविद्यालयों में जो पद रिक्त हैं उसकी बात नहीं हो रही है, संसाधनों को जो लगातार लोगों के हाथों से छीना जा रहा है उसकी बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रहा है कि वेस्टर्न यूपी में जाट वोट कहां जा रहा है, सेंट्रल यूपी में नॉन यादव वोट कहां जा रहा है, ब्राह्मण इस बार क्या करेंगे? अरे महाराज, कोरोना हुआ ना अभी, कैसे हुआ कोरोना, कौन जात को नहीं हुआ हमको बता दीजिए जरा, है कोई ऐसा जात जिसको कोरोना नहीं हुआ हो?
है कोई ऐसा धर्म का लोग जिसको कोरोना नहीं हुआ हो? आपको सचमुच लगता है क्या कि डेंगू का मच्छर आएगा और पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम? आप कहिएगा नीरज तो काट लेगा, और कहिएगा नदीम तो भाग जाएगा। सचमुच में आपको इस बात पर भरोसा होता है? ये हमारी हकीकत नहीं है। हमारी हकीकत यह है कि देश की राजधानी, वहां पर जो हवा है वो हवा रहने लायक नहीं है। एक QI 400 के पार होता है। ये हमारी हकीकत है। हमारी हकीकत यह है कि यहां से वहां जाने के लिए, कम्यूट करने के लिए यातायात के संसाधन नहीं बचे हैं। कभी ध्यान दिए हैं कितना ट्रेन कैंसिल हो गया है? नया रंग रोगन करके राजधानी को ही क्या बना दिया है, नया एक चल रहा है जिसमें भारी पैसा लगता है हवाई जहाज के बराबर, तेजस। फेंकने के लिए तेजस होना बहुत जरूरी है। वही राजधानी ट्रेन नया नहीं बनाया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है। अरे कोई रोक रहा है आपको? बना लीजिए ना 50 शहर और 50 जो स्वतंत्रता सेनानी भाजपा से जुड़े हुए हों उनके नाम पे वो शहर का नाम रख दीजिएगा, और वहां सड़क का नाम, चापाकल का नाम, स्ट्रीट लाइट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, अस्पताल का नाम, सब उनके नाम पे रख दीजिएगा। दिक्कत जानते हैं क्या है? जिनके पास इतिहास ही नहीं है वो क्या रखेंगे, किसका नाम रखेंगे? एक आया और हमको बोला सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत तकलीफ हुआ। बोले ठीक बात बोले, और उस तकलीफ के बाद वो सीधे जाकर के RSS ज्वाइन कर लिए थे। नहीं, आप सब भी अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए, बिला वजह का कांग्रेस के जो नेता हैं उन कांग्रेस के नेताओं को ही आपस में लड़ाया जाता है। अरे आपको परिवार में बहस नहीं होती है क्या? हर बार जो बाबूजी कहते हैं मान लेते हैं? झूठ मत बोलिए। अभी 14 आएगा तो देखेंगे बाबूजी का बात मान लीजिएगा। हर बात मानते हैं बाबूजी का? तो परिवार में लड़ाई नहीं होती है, मुद्दों पर बहस नहीं होता है। किसी बात को किसी बात से काट करके अगर आप देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। सुभाष चंद्र बोस अगर भाजपा के विचारों से प्रेरित थे तो 1925 में RSS बन गया था, तो कांग्रेस से निकल करके सुभाष चंद्र बोस RSS ज्वाइन कर लेते। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? नेताजी की पार्टी का क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक बंगाल का चुनाव किसके साथ लड़ी? कांग्रेस के साथ लड़ी ना। तू कौन है भाई, 3 में कि 13 में? तुम्हारा इतिहास क्या है? क्या किए हो देश के लिए? 5 क्रांतिकारी का नाम बताओ, 5 क्रांतिकारी का, जो इस देश के लिए फांसी पर चढ़े हो, जो RSS के मेंबर हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? इस झूठ बोलने की सारी कोशिश के पीछे राज क्या है? राज यह है तुम इतिहास में उलझा करके वर्तमान के सवाल को गुमराह कर देना चाहते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, झूठ को स्थापित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सच को देखने के लिए ना TV देखना जरूरी नहीं है दोस्त। सच को देखने के लिए TV देखने का जरूरत है। अपने घर की माली हालत देख लो ना। पिताजी अगर नौकरी करते हैं, माताजी अगर नौकरी करते हैं तो उनसे पूछो, अच्छा पापा बताइए आपका पेंशन कौन बंद किया था? राष्ट्र के ये 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, उसी वक्त बंद हुआ था पेंशन। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो यह सवाल पूछना, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो यह सवाल पूछना कि लेबर लॉ के हिसाब से 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा के बाद अगर 1 मिनट भी काम करेंगे तो 2 मिनट का पैसा मिलना चाहिए। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां मिनिमम वेज दिया जाता है, ये तो मजदूरों का शोषण हो रहा है। और जब वो बता दें तो उनसे पूछना, पापा आप कहते हैं कि इतना बढ़िया है, चलिए आप ही बता दीजिए इस देश का लेबर मिनिस्टर कौन है? सरकार चला रहे हैं कि सर्कस चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? और इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि इनको जो मन होगा वो ये देश में करेंगे? ये देश को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं, तो इनको हम चैलेंज करते हैं
तुम्हारी हरकत अगर अंग्रेजों वाली होगी तो हमारी हरकत फिर क्रांतिकारियों वाली होगी। इस बात को याद रखना कि अगर इस देश के भीतर देश की बुनियादी संस्कृति और लोगों के बुनियादी सवाल पर हमला किया जाएगा तो लोग किसी का इंतजार नहीं करेंगे, लोग किसी नेता का इंतजार नहीं करेंगे। मरता क्या ना करता। 5 साल से तैयारी कर रहा था, 20 गुना रिजल्ट का वादा किए, उसके बाद रिजल्ट नहीं दिए, एक ही स्टूडेंट को 3 जगह पे पास कर दिए, बाकी लोगों को अगर रिजल्ट नहीं आया, विद्यार्थियों ने करोड़ों ट्वीट किया, पता नहीं रेल मंत्री क्या कर रहे थे तब। एक तो ये अजब खेला चल रहा है इस सरकार में, कानून का सवाल हो तो रेल मंत्री बोलेगा, रेल का सवाल हो तो वित्त मंत्री बोलेगा, वित्त का सवाल हो तो रक्षा बोलेगा, रक्षा का सवाल हो तो मानव संसाधन बोलेगा, पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन सा मंत्री है। जैसे प्रधानमंत्री जी का एक सुपर डुपर क्लाइमेक्स आया जब वो पंजाब गए, उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना मैं सुरक्षित लौट आया। अब पता नहीं और सुरक्षा में क्या हुआ था उनके। मजेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिसकी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन आई? सास जो कभी बहू थी। क्या लॉजिक है भाई, कपड़ा मंत्री को प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? देश में गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री कहीं कोहली वाला विवाद को सुलझाने के लिए नहीं चल रहे गए थे, या टेनी जी से मिलने के लिए आ गए हो? और बताओ टेनी कैसे हो, तुम्हारा बेटा तो जीप चढ़ाने में बड़ा मास्टर है, अगली बार इसको ग्रैंड स्लैम के लिए भेज देंगे। क्या हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है सरकार के लिए? क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाता है? अब आई बोली तो लगा कि विद्यार्थियों को भी ट्वीट करके देखते हैं, नहीं रेल मंत्री तो कम से कम कपड़ा मंत्री ही आकर के कुछ बोल देंगे। रेल मंत्री नहीं आए, जब विद्यार्थी मजबूर होकर के सड़कों पे उतरे, रेलवे ट्रैक पे उतर आए, तब आनन फानन में रेल मंत्री आते हैं और रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे आपकी संपत्ति है, इसका नुकसान मत कीजिए। मैं भी हाथ जोड़ करके आपसे यही कहता हूं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पढ़ाई जाने रे अश्विनी वैष्णव साहब, कि रेलवे हमारी संपत्ति है, इसको अपने दोस्तों के हाथ में मत बेचिए। हम भी आपसे यही कह रहे हैं, क्योंकि यह बड़ा सिंपल हिसाब है इनका, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी, सिंपल हिसाब है एकदम। इसीलिए आप देखेंगे कि एक एक संस्थान को गिन गिन करके बेचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आज जो देश के छात्र हैं और नौजवान हैं उनके सामने एक विकट परिस्थिति पैदा हुआ है, और विकट परिस्थिति क्या है? उनको इतिहास की भी रक्षा करनी है, उनको वर्तमान भी बचाना है ताकि भविष्य सुरक्षित रह सके। यह लड़ाई एक साथ हमारे पूरे अस्तित्व की लड़ाई है, इस बात को हमको समझ लेना होगा। इसीलिए चुनाव को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अभी आपको लगता है कि ऐसे ही वोट का अधिकार मिल गया है, थोड़ा सा अगर इतिहास जाकर के देखेंगे ना, वोट का अधिकार मिलना इतनी आसान बात नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं, सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, और हमको धन्यवाद करना चाहिए उस संविधान सभा को जिसमें 15 महिलाएं भी थी, कि एक ऐसा संविधान बना करके दिया जिस संविधान की ताकत से हम ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री का वोट भी एक होगा
और प्रधानमंत्री के गेट के बाहर दरवानी करने वाला संतरी का वोट भी एक होगा। ये डेमोक्रेसी की ताकत है, इसको हमको समझना चाहिए। वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। ये ना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि जब मन करेगा तब बना लीजिएगा, जब मन करेगा तब डिलीट कर दीजिएगा, जब मन करेगा तब किसी को ब्लॉक कर दीजिएगा, जब मन करेगा तब आप एग्जिट हो लीजिएगा। डेमोक्रेसी इतना आसान चीज नहीं है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी लड़ाइयों से हम तमाम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है, और वोट देने का वो बराबरी का अधिकार ही हमारे हाथ में वो ताकत है कि बड़ा बड़ा नेता जो 5 साल में आपके गली में नाली से पानी बहता है उसको देखने नहीं आता है, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसे करके वोट दे दीजिएगा। हेलीकॉप्टर जमीन पे इसलिए आता है क्योंकि आपके पैर के नीचे जो लोकतंत्र की जमीन है उसका ताकत ये संविधान आपको देता है। इसीलिए जब आज इस देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, खास करके मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से ये कहना चाहता हूं, एक पत्रकार ने हमको पूछा यूपी में का बात, हम कहते हैं कि ये मत पूछिए, ये पूछिए कि यूपी कहां बा, का बा नहीं कहां बा। कहां बा इसलिए कि आप कोई भी इंडेक्स उठा करके देख लीजिए, भूख का इंडेक्स, चोरी का इंडेक्स, बलात्कार का इंडेक्स, किसी भी अपराध का इंडेक्स, बेरोजगारी का इंडेक्स कहां है उसको देख लीजिए, कहां बा। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, आप देख लीजिए कि देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक जिसकी आबादी 25 करोड़ हो, उस प्रदेश के नौजवानों का सवाल क्या होना चाहिए, उस प्रदेश के नौजवानों का यह सवाल होना चाहिए ना कि क्या हो गया इलाहाबाद को जिसको आईएएस कोचिंग का हब कहा जाता था, क्या हो गया है उन तमाम उद्योग धंधों को जो अलग अलग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई ऐसा शहर, पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां उत्तर प्रदेश के जितना शहर हो, और कोई ऐसा शहर नहीं है जहां की कोई ना कोई चीज मशहूर ना हो। अरे अलीगढ़ का भी ताला मजबूत मशहूर था, कहीं की चूड़ियां मशहूर, कहीं के ताले मशहूर, कहीं का कुछ खाना पीना मशहूर। ये जो उत्तर प्रदेश की ताकत थी इसको आज कहां पहुंचाया जा रहा है। इतिहास के गरे मुर्दे उखाड़ने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि जो इतिहास में फेल हैं, जो अपने इतिहास को नहीं समझते हैं, वो आपके इतिहास बोध को शून्य कर रहे हैं, और वो आपके इतिहास बोध को इसलिए शून्य कर रहे हैं कि आप वर्तमान की समस्याओं को ना समझ सके और आपका भविष्य अंधकारमय हो जाए। इसीलिए हम आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि आज जब चुनाव हो रहा है, टीवी बंद कीजिए, अपने जीवन से पूछिए कि आपके जीवन में सचमुच में क्या बदलाव आया है। आप अपने मां बाप की हालत को देखिए, आप गुस्सा मत मानिए, इन जनरली हम टीवी वाला को बोल रहे हैं, स्पेशली आपको नहीं बोल रहे हैं, इन जनरल आप अपने लाइफ को देखिए कि आप जब पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको महंगाई असर करती है कि नहीं करती है, आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको महंगाई असर करती है कि नहीं करती है। 5-5 साल, 6-6 साल आप लगातार नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिलती है, आपको पता है हर त्योहार में घर फोन करने से घबराहट होती है, जब माँ पूछती है कब मिलेगी नौकरी, कब होगा ब्याह, कब देखेंगे पोता पोती का मुंह, लोग त्योहार में फोन करना बंद कर देता है, पता ही नहीं है कि कब होगी बहाली। ये आपके जीवन की सच्चाई है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जो विधान तैयार किया है, यह विधान इस देश के, इस प्रदेश के जो लोगों के बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, सड़क बिजली पानी, उसको केंद्र में रख करके तैयार किया गया है। यह विधान इस बात को केंद्र में रख करके तैयार किया गया है कि समाज खूबसूरत तभी होगा जब समाज में एक संतुलन होगा। आप खूबसूरत कब लगते हैं, आप सौम्य और आकर्षक कब लगते हैं,
जब आपके चेहरे में एक बैलेंस लगता है। आप मुझे बताइए कि मेरी कान जो है वो 1.5 फीट की हो जाए, ये स्वस्थ होने की निशानी है? ये स्वस्थ होने की निशानी नहीं है ना? समाज में संतुलन हो, और समाज में संतुलन के लिए जरूरी है कि जो समाज की आधी आबादी है उस आधी आबादी को उसको हक मिलना चाहिए। इसीलिए जब प्रियंका जी ने यह नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसका मतलब यह है कि यह शुरुआत है। एक कहीं हमने एक शायरी पढ़ी थी कि एक टहनी टूट कर पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई मिट्टी समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। जब हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया, जब हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री हुई, राष्ट्रपति हुई, तमाम क्षेत्रों में जाकर के, यहां तक कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसमें जाकर के महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, अपनी वीरता और अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं, राजनीति में भी उनको अवसर मिलना चाहिए। इस सवाल को हमने प्रमुखता से उठाया है, इस सवाल को हमने प्रमुखता से उठाया है कि एक तरफ अगर आप 2-3 लोगों को इस देश की संपत्ति लूट करके उसका खजाना मोटा करता रहेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरा मूरी इतना बड़ा हो जाए तो हम गिर जाएंगे ना मूरी भार, हम चल नहीं पाएंगे इस धरती पे। ग्रेविटेशन का रूल ये कहता है कि शरीर के डायमेंशन के हिसाब से अगर मूरी ज्यादा बड़ा हो जाए पलट के गिर जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने देश के सरकारी संस्थानों को बेच करके अपने कुछ निजी दोस्तों की मदद की है, इससे देश में संकट गहराता जा रहा है। मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से तब काम करता है जब उसका चेक एंड बैलेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर होता है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, भाई साहब नहीं लगेगा जुमला बना दिए ना, BSNL आज कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना, और आज जियो की हालत क्या है? पहले क्या होता था, आ जा ले ले फ्री में दे देते हैं, अब क्या हो रहा है, 750 रुपया कितना का रिचार्ज हो रहा है, 719 रुपया। और 1500 से कम कमाने वाले इस देश के अंदर करोड़ों परिवार की संख्या बढ़ गई है, GDP घट गया है, ग्रोथ रेट घट गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। ये हमारा आपका सवाल है, इसी सवाल को केंद्र में रख करके जो भर्ती विधान हम लोगों ने जारी किया है उसका उद्देश्य ये है कि एक तो सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों को भरा जाएगा, दूसरा ये है कि इस देश के जो नौजवान हैं जिनके पास क्षमता है उनको भागीदारी दे करके उनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि वो आएंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, उनसे आप सिर्फ एक सवाल पूछिएगा, एक बात बताइए, अच्छा दिन कब आएगा, 15 लाख कब हमारे खाते में पहुंचाया जाएगा। अगर इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आप मान लीजिएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं खरीदना है, सच के साथ खड़ा होना है, क्योंकि सच की ताकत ये है कि इसको साबित करने की जरूरत नहीं होती है, इसको स्थापित करने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अगर इसको आप आजमाना चाहते हैं तो आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के 50 बार नीम नीम बोलिएगा, देखिएगा आम नीम होता है कि नहीं होता है। जैसे आम का पेड़ नीम नहीं हो सकता है ना, वैसे ही गांधी की हत्या करने वाला कभी भी इस देश का वफादार नहीं हो सकता है। वैसे ही जो नफरत की बात करते हैं, हिंसा की बात कर सकते हैं, वो सबका साथ और सबका विकास नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जो परिवारवाद का नारा लगाते थे, मौका मिला तो करी निंदा, मंत्री साहब अपना दुन्नू बेटा को टिकट दिलवा दिए हैं, हाय रे परिवारवाद। ये बेईमानी हमको आंख के सामने दिखती है, आप भी टीवी बंद करके देखने लगिएगा ना, ये बेईमानी आपको भी दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं एक नेता की हैसियत से नहीं, आपका जीवन हम अभी तुरंत
2018 में हमने अपनी पीएचडी पूरी की है, डॉक्टरेट की उपाधि ली है, हमने आपका जीवन अभी अभी जिया है, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते जो आपका सवाल है वो आपसे साझा कर रहा हूँ। यही मौका है, लोकतंत्र में हर 5 साल में एक मौका आता है कि हम अपने मुद्दों पर सरकार को झुका सकें, उनसे पूछ सकें कि यह सरकार बताओ हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं पैदा किया गया। अगर नहीं किया गया तो इधर उधर की बात छोड़ो, तुमको हमने नौकरी देने के लिए वोट दिया था, तुमको हमने करप्शन खत्म करने के लिए वोट दिया था, तुमको हमने किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए वोट दिया था। अगर तुमने नहीं किया है तो हम तुमसे हिसाब लेंगे, और हिसाब ये है कि तुमको अगली बार मौका नहीं देंगे। 30 साल से ज्यादा हो गए हैं कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिला है। मैं आप तमाम नौजवानों से आग्रह करता हूँ, एक बात को याद रखिएगा, जिसके पैर में बिवाई नहीं फटती है उसको दर्द समझ में नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ही इस देश को भी बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।